हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, बहुत ही अच्छी न्यूज मैं आपके लिए इस वीडियो में लेके आया हूं। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंडर फ्रेंड्स, आपकी यहां पे ट्रेड अप्रेंटिस के अंडर टोटल 6060 वैकेंसी फ्रेंड्स अप्रोक्सीमेटली ऑफिशियल नोटिफिकेशन में डिक्लेयर हो चुकी है, जो कि फ्रेंड्स आपकी आईटीआई या नॉन आईटीआई के अंडर फ्रेंड्स रहेंगी। तो आईटी और नॉन आईटी आपका क्या है यहां पे, वो मैं आपको क्लियर करा देता हूं सबसे पहले वीडियो शुरू होने से पहले। तो फ्रेंड्स, इसका मतलब ये है कि जिन स्टूडेंट्स ने अपनी आईटीआई कर रखी है वो कैंडिडेट भी इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जिन स्टूडेंट्स ने अपनी सिर्फ और सिर्फ फ्रेंड्स दसवीं पास कर रखी है वो कैंडिडेट भी फ्रेंड्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। और ये जो फ्रेंड्स आपकी टोटल 6060 वैकेंसी रहेंगी, ये फ्रेंड्स आपके डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज रहेंगी। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, चंडीगढ़, डिफरेंट डिफरेंट स्टेट में फ्रेंड्स आपकी यहां पे ये जो वैकेंसियों की डिस्ट्रीब्यूशन फ्रेंड्स रहेगी। और साथ में फ्रेंड्स आपके यहां पे जो एजुकेशन का क्राइटेरिया है, नॉन आईटीआई वालों को दसवीं पास चाहिए यहां पे, और जिन स्टूडेंट्स ने आईटीआई कर रखी है वो यहां पे आईटीआई के अंडर फ्रेंड्स आएंगे। तो आईटीआई आपकी कौन कौन से ट्रेड में होनी चाहिए, दसवीं आपकी कौन सी डेट तक फ्रेंड्स कंप्लीट होनी चाहिए, और कितनी परसेंटेज आपकी यहां पे दसवीं में होनी चाहिए, ये जो आपका कंप्लीट एजुकेशन का क्राइटेरिया है, और आपकी एज कितनी होनी चाहिए इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई करने के लिए, अच्छे तरीके से फ्रेंड्स इस वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप डिस्कस करेंगे। और फिर हम डिस्कस करेंगे कि जो आपका सिलेक्शन प्रोसेस है फ्रेंड्स वो आपका किस बेसिस पे रहेगा, क्योंकि इसमें आपके सिलेक्शन प्रोसेस में कोई भी एग्जामिनेशन कंडक्ट नहीं होगा। तो सिलेक्शन प्रोसेस आपका किस बेसिस पे रहेगा, मेरिट लिस्ट किस बेसिस पे बनेगी, अच्छे तरीके से फ्रेंड्स डिस्कस करेंगे। और इसके जो ऑनलाइन फॉर्म है कब से फ्रेंड्स फिल होना शुरू होंगे वो भी फ्रेंड्स हम वीडियो के लास्ट में डिस्कस करेंगे। और टोटल आपकी वैकेंसी उसके डिस्ट्रीब्यूशन डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज क्या रहेगी वो भी फ्रेंड्स यहां पे डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको यहां पे बता देता हूं, जैसे कि आप यहां पे नीचे देख पा रहे हैं, जो आपकी आईटीआई के अंडर फ्रेंड्स पोस्टेड रहेंगे वो आपकी यहां पे टोटल फ्रेंड्स 3847 वैकेंसियां रहेंगी 6060 में से। और जो नॉन आईटीआई कैंडिडेट के लिए यहां पे वैकेंसी रहेंगी फ्रेंड्स वो आपकी टोटल 2219 वैकेंसी फ्रेंड्स रहेंगी। तो टोटल नॉन आईटीआई और आईटीआई वालों को कंबाइन करके अप्रोक्सीमेटली 6060 वैकेंसी फ्रेंड्स आपकी यहां पे रहेंगी। तो यहां पे मैं आपको एजुकेशन का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया डिटेल्ड में बता देता हूं, जैसे कि आप नीचे यहां पे देख भी पा रहे होंगे। एजुकेशन का क्राइटेरिया फ्रेंड्स आपकी यहां पे नॉन आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के अंडर जो यहां पे क्राइटेरिया रहेगा, आपकी फ्रेंड्स सिर्फ और सिर्फ दसवीं पास होनी चाहिए, और दसवीं फ्रेंड्स आपकी 31 दिसंबर 2019 तक फ्रेंड्स कंप्लीट होनी चाहिए, और दसवीं में आपके कम से कम सभी सब्जेक्ट्स को मिला के 50% मार्क्स होने चाहिए, साथ में मैथ और साइंस में कम से कम दोनों में आपके 40% फ्रेंड्स मार्क्स होने चाहिए दसवीं में, तो ही आप यहां पर नॉन आईटीआई के अंडर फ्रेंड्स फॉर्म को अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद जो स्टूडेंट्स आईटीआई वाले हैं उनके पास आईटीआई का डिप्लोमा कम से कम 50% के साथ पास होना चाहिए डिफरेंट डिफरेंट ट्रेड के अंडर, जो कि मैं आपको यहां पे आगे बताऊंगा। तो एजुकेशन आपकी आईटीआई या फिर दसवीं जो है आपकी वो फ्रेंड्स आपकी 31 दिसंबर 2019 तक फ्रेंड्स कंप्लीट होनी चाहिए। एज फ्रेंड्स आपकी यहां पे कम से कम 15 साल और ज्यादा से ज्यादा 24 साल से अबव आपकी एज नहीं होनी चाहिए, और आपकी जो एज है फ्रेंड्स वो आपकी 9 फरवरी 2020 तक फ्रेंड्स काउंट की जाएगी। तो यहां पे जो स्टूडेंट्स रिलैक्सेशन चाहते हैं उनकी यहां पे फ्रेंड्स कैटेगरी होना जरूरी है। तो जो स्टूडेंट्स एस सी एस टी से बिलोंग करते हैं उनको यहां पे जो अपर एज लिमिट का फ्रेंड्स रिलैक्सेशन है वो यहां पे 5 साल तक का रहेगा, यानी कि एस सी एस टी वाले स्टूडेंट्स यहां पे 29 ईयर तक इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं, और जो स्टूडेंट्स ओबीसी से बिलोंग करते हैं वो यहां पे इसके अंडर 27 ईयर तक फ्रेंड्स इसके अंडर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। तो बाकी यहां पे जो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज आपका रिलैक्सेशन आएगा अपर एज लिमिट के लिए वो फ्रेंड्स आप यहां पे नीचे क्लियरली देख सकते हैं। उसके बाद फ्रेंड्स आपका यहां पर आ जाता है सिलेक्शन प्रोसेस। तो सिलेक्शन प्रोसेस में यहां पर आपको नॉन आईटीआई और आईटीआई वालों के लिए दोनों के लिए फ्रेंड्स सेपरेटली बताऊंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता देता हूं, उसमें आपका कोई भी फ्रेंड्स जो एग्जामिनेशन है वो आपका नहीं कंडक्ट होगा। नॉन आईटीआई के अंडर यहां पे जो स्टूडेंट्स दसवीं के अंडर फॉर्म को अप्लाई करेंगे उनका फ्रेंड्स यहां पे दसवीं में जो आपने परसेंटेज ले रखी है सभी सब्जेक्ट्स को मिला के उसके बेसिस पे फ्रेंड्स आपकी यहां पे मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। जितने आपने हायर मार्क्स को स्कोर कर रखा है दसवीं में उतने आपके ज्यादा चांसेस यहां पे फ्रेंड्स सिलेक्शन के लिए रहेंगे।
उसके बाद जो स्टूडेंट्स आईटीआई वाले हैं, आईटीआई में आपने कितनी परसेंटेज ले रखी है, साथ में दसवीं में आपने कितनी परसेंटेज ले रखी है, दोनों को 50-50% की फ्रेंड्स वेटेज दी जाएगी। उसके बेसिस पे यहां पे आईटीआई वाले स्टूडेंट्स के लिए फ्रेंड्स मेरिट लिस्ट डिक्लेयर होगी। जब आपकी मेरिट लिस्ट डिक्लेयर हो जाती है उसके बाद आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट होगी, और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ साथ फ्रेंड्स आपकी जो मेडिकल एग्जामिनेशन, आपकी बेसिक मेडिकल फिटनेस भी फ्रेंड्स वहां पे चेक की जाएगी। तो ये फ्रेंड्स आपका यहां पे कंप्लीटली सिलेक्शन प्रोसेस रहेगा, शुरू से लेकर लास्ट तक क्या रहेगा वो मैंने आपको यहां पे फ्रेंड्स बता दिया। और स्टाइफन जो आपको यहां पे डिफरेंट डिफरेंट रहेगा, पहले साल में, दूसरे साल में, तीसरे साल में, वो मैं आपको यहां पे ऑफिशियल नोटिफिकेशन में दिखा देता हूं। साथ में जो आपकी डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी फ्रेंड्स वैकेंसियों की, वो डिफरेंट डिफरेंट स्टेट वाइज क्या रहेगी वो मैं आपको यहां पे अब ऑफिशियल नोटिफिकेशन में बता देता हूं। तो फ्रेंड्स स्टाइफन आप यहां पे देख सकते हैं, जो आपकी अप्रेंटिसशिप की ट्रेनिंग रहेगी उसके दौरान जो आपको मंथली बेसिस पे पैसे दिए जाएंगे उसको हम यहां पे स्टाइफन कहते हैं। तो स्टाइफन आप यहां पे देख सकते हैं, ड्यूरिंग वन ईयर ऑफ ट्रेनिंग में आपको यहां पे जो स्टाइफन रहेगा वो आपका यहां पे रहेगा 70% ऑफ मिनिमम वेजेस ऑफ सेमी स्किल्ड वर्कर जो इनके रहेंगे, उनका जो कम से कम वेज रहती है उसका 70% को पहले साल में फ्रेंड्स दिया जाएगा। सिमिलरली आप यहां पे सेकंड और थर्ड ईयर के लिए फ्रेंड्स देख सकते हैं 80% और 90% फ्रेंड्स कोरस्पोंडिंगली रहेगा। तो ये फ्रेंड्स आपका यहां पे स्टाइफन का क्राइटेरिया रहेगा। उसके बाद मेडिकल फिटनेस आप यहां पे देख सकते हैं, मेडिकल एग्जामिनेशन आपका यहां पे कंडक्ट होगा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के साथ में। जब आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो जाएगी उसके बाद आपका साथ में मेडिकल एग्जामिनेशन भी फ्रेंड्स कंडक्ट हो जाएगा। तो यहां पे मैं आपको बता देता हूं आपकी यहां पे जो डिस्ट्रीब्यूशन रहेगी डिफरेंट डिफरेंट वैकेंसियों की, डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज वो फ्रेंड्स आपकी क्या रहेगी। तो यहां पे आप फ्रेंड्स देख सकते हैं, चंडीगढ़ में आपकी यहां पे जो वैकेंसी रहेगी नॉन आईटीआई वालों के लिए और आईटीआई वालों के लिए, वो फ्रेंड्स आप यहां पे डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी वाइज देख सकते हैं। चंडीगढ़ में टोटल 46 वैकेंसी यहां पे सभी के लिए, आईटीआई और नॉन आईटीआई के लिए फ्रेंड्स दोनों के लिए रहेंगी। सिमिलरली फ्रेंड्स आप यहां पे डिफरेंट डिफरेंट स्टेट के लिए देख सकते हैं, जैसे कि मध्य प्रदेश में जो आपके डिफरेंट डिफरेंट फैक्ट्रियां रहेंगी उसके अंडर फ्रेंड्स आप यहां पे वैकेंसियां जो है वो यहां पे देख सकते हैं, किस स्टेट से आप बिलोंग करते हैं उसमें यहां पे नॉन आईटीआई के अंडर कितनी वैकेंसियां रहेंगी और आईटीआई के अंडर कितनी वैकेंसियां रहेंगी वो यहां पे फ्रेंड्स आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स इसके अंदर जो आपके यहां पे ऑनलाइन फॉर्म को अप्लाई करने का लिंक है वो फ्रेंड्स आपका 10 जनवरी 2020 को ऑफिशियल वेबसाइट पे एक्टिवेट हो जाएगा और 9 फरवरी 2020 तक फ्रेंड्स आप इसके अंदर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हो। तो फ्रेंड्स ये था लेटेस्ट अपडेट जो यहां पे आपकी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के अंडर वैकेंसियां निकली हैं ट्रेड अप्रेंटिस के अंडर आईटीए और नॉन आईटीए दोनों स्टूडेंट्स के लिए। उसका यहां पे क्राइटेरिया क्या रहेगा जो आपको डाउट है इसमें नॉन आईटीए और आईटीए के रिगार्डिंग, वो फ्रेंड्स हमने इस वीडियो में अच्छे तरीके से डिस्कस कर लिया है। फिर भी अगर आपके माइंड में कोई कंफ्यूजन रह जाती है तो आप डायरेक्टली फ्रेंड्स कमेंट सेक्शन के अंडर पूछ सकते हो। थैंक यू फ्रेंड्स।